मोंटेसरी एंड सेवा सदन जिले का एकमात्र स्कूल जो आपके बच्चों को न्यूनतम फीस में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। प्रवेश हेतु संपर्क करें। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक खेत में किसान हादसे का शिकार हो गया। यहाँ पे वो रोटावेटर से खेत की जुताई कर रहा था, इस दौरान छोटा ट्रैक्टर जो था वो पलट गया और इसका पैर गंभीर रूप से घायल हो गया। ये किसान था, रघुनाथ था। रघुनाथ को ताबड़तोड़ बुरहानपुर के बालाजी हॉस्पिटल में लेकर आए। यहाँ पे 12 घंटे भर्ती करने के बाद सुबह बताया गया कि आपके पैरों की नस कट गई है, आपके पैर को काटना पड़ेगा। इसके बाद इनके होश उड़ गए। बहरहाल इसके बाद एक और निजी अस्पताल में ले गए, लेकिन यहाँ पे भी यही बताया गया डॉक्टर के द्वारा कि पैर को काटा जाएगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि पैर काला पड़ रहा था। बहरहाल इन परिजनों ने उसको बोरले हॉस्पिटल में लेकर आए, संजय नगर से बोरले हॉस्पिटल में लेकर आए। यहाँ पे डॉक्टर सुबोध बोरले ने अपनी टीम के साथ तत्काल इस क्रिटिकल मरीज को देखा और फैसला लिया कि इसका ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है और इसको ऑपरेशन थिएटर में लिया। करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद सफल ऑपरेशन हुआ और जो नसें कट गई थी वो आर्टिफिशियल नसों को यहाँ पे लगाया गया है, जिसके बाद अब मरीज स्वस्थ है, स्टेबल है। और अभी इस ऑपरेशन को करीब 4 दिन बीत चुके हैं और मरीज सामान्य स्थिति में है। बहरहाल वो चलना तो 2 महीने बाद शुरू करेगा, लेकिन उसके पैरों में हलचल होना शुरू हो गई है, जिसे अन्य डॉक्टरों ने काटने की बात कही थी। अब वो अपने पैरों पर चल पाएगा कुछ समय बाद। बहरहाल आप खुद सुनिए क्या कहा डॉक्टर सुबोध बोले ने, किस तरीके से उनके सामने ये चैलेंजिंग मामला था, हादसा था, जिसमें उन्होंने तत्परता दिखाते हुए इसको ऑपरेशन किया और ये डिसीजन लेके उसको बुरहानपुर में ही पैर कटने से बचा लिया। बहरहाल हमारे साथ हमारी खबर को देखने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। खबर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देखें, उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। ये काश्तकारी खेत में थे, छोटा लोटर था वो, सर में ऐसा चलने वाला केली लगी थी, वहाँ पे केली में बेड बनाने के लिए वो ट्रैक्टर चला रहे थे सर में, छोटा सा था वो, तो पलटाने के टाइम में पलट गया वो, पैरों पे आ गया, पैरों में आया तो चोट लग गई मेरे को पैरों में, बहुत सारी चोट लग गई। फिर सेठ हमारा गोपाल महाजन वही था, फिर आया वो दो गोड़ के, बोले क्या हुआ, बोले मैंने ट्रैक्टर ऊपर चले गई है, फिर वहां से लेके दौड़ा जिम में डाला, बालाजी में लेके आए, फिर वहां पे लाए तो वहां पे बोले ये तो बहुत बड़ी जगह, बोले कटना पड़ेगा, बोले हाँ तो वहाँ पेड़ काटना पड़े, बोले तो फिर वहां से वहां पे वो ही बोले क्या बोले उन्होंने, पेड़ काटना पड़ेगा, पेड़ काटना ही पड़ेगा बोले। फिर वहां उसके फिर अपने बोरले में लाए, तो बोरले में लाए 6 घंटे वहां पे ऑपरेशन चली, वहां पे तो ऑपरेशन चली, फिर जोड़े गया है और उसके बाद 2 महीने बाद मेरे पैरों समय चल लूंगा। हाँ जो उन्होंने मना कर दिया था कि पैर काटना पड़ेगा, हाँ चलने लगे, 2 महीने बाद चलने लग जाऊंगा। आपका नाम क्या है? रघुनाथ जी, मैं डॉक्टर सुबोध बुरले, ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन, बुरहानपुर बुरले हॉस्पिटल। हमारे यहाँ एक एक्सीडेंटल पेशेंट आया था, इसके सीटी एंजियोग्राफी में उसकी पैर की नस कटी हुई थी, पॉपलीटियल आर्टरी जो थी वो पॉपलीटियल आर्टरी घुटने के पीछे एक्सीडेंट की वजह से कट गई थी। और पेशेंट के रिश्तेदार लेके आए सीटी एंजियोग्राफी, तो उसमें ऑब्वियसली दिख रहा था कि पूरी नस कटी हुई है और उसको बाकी 2 हॉस्पिटल में बोल दिया था कि भाई आपका पैर काटना पड़ेगा। पेशेंट के रिश्तेदार ने हमको वही बताया कि सर पैर काटना पड़ेगा, कोई दूसरा विकल्प है या फिर कैसे तो अपन पैर बचा सकते हैं, आप हमको बताइए। मैंने उनको समझाया कि फिलहाल 24 घंटे ही हुए हैं, वैसे तो 6 से 12 घंटे में ऑपरेशन हो जाना चाहिए, लेकिन 24 घंटे हुए तो अभी भी पैर बचने के चांसेस है। हमारे पास में माइक्रोस्कोप है, डॉक्टर्स अच्छे हैं, पूरी टीम है और प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन के कारण ये ऑपरेशन यहाँ संभव है और समय क्योंकि कम है तो अपन ऑपरेशन करना चाहिए और एक रिस्क लेनी चाहिए जिससे अच्छा हो सकता है। तो हमने इमीडिएटली पेशेंट के रिश्तेदारों ने पेशेंट को यहाँ शिफ्ट किया और हमने उसका ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। ऑपरेशन लगभग 6 घंटे चला, काफ़ी जटिल ऑपरेशन था जिसमें हमने पॉपलीटियल आर्टरी को, जितनी आर्टरी खराब हो गई थी कट हो गई थी वो आर्टरी को, खराब वाली आर्टरी को काटा और वहाँ डेक्रॉन ग्राफ्ट करके, डेक्रॉन ग्राफ्ट आता है वो ग्राफ्ट डाला और पूरा आर्टरी रिपेयर की, उसकी वेन रिपेयर की, उसके नर्व्स रिपेयर की। और क्योंकि जब पेशेंट हमारे पास आया था तब पेशेंट का पल्स ऑक्स जो था, ऑक्सीजन सेचुरेशन पैर में का वो कुछ भी नहीं था, चल रहा था, पेशेंट की पैर की मूवमेंट कम हो गई थी, पेशेंट का पैर काला पड़ रहा था। बट अभी पेशेंट को 4 दिन हो गए हैं ऑपरेशन करके, पेशेंट का पैर एकदम नॉर्मल कंडीशन है, 100% ऑक्सीजन सेचुरेशन है
और पेशेंट की उंगलियां भी हिल रही है। पेशेंट अभी पहले से काफ़ी अच्छा है। ये सर्जरी जो रहती है वैस्कुलर सर्जरीज रहती है, ये पेरीफेरी में आप, क्योंकि बुरहानपुर है टायर 3 सिटी है, तो ऐसे जगह ये ऑपरेशन बहुत चैलेंजिंग रहते हैं। और कभी कभार ऐसे पेशेंट आते हैं तो सब इंस्ट्रूमेंटेशन, फोगार्टिस कैथेटर जैसी बड़ी बड़ी चीज़ें रखना बहुत कठिन रहता है, लेकिन अगर सब आर्मामेंटोरियम और अगर सब फैसिलिटीज रही तो काफ़ी अच्छे से। टीम में, मेन टीम में मैं था और डॉक्टर स्वप्निल वाघ थे, और हमारी पूरी टीम थी। डॉक्टर किरण कुमार थे इंटेंसिविस्ट, जिन्होंने प्रॉपर पेशेंट का बीपी मेंटेन रखा और हिपेरिन से पूरा हिपेरिन देके खून पतला रखा, जिस कारण ऑपरेशन सक्सेसफुल होने में मदद हुई। बुरहानपुर की पल पल की लेटेस्ट खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।